Hello friends, welcome to my channel. So today we are going to discuss about the soil color. Okay, so how we can perceive or how we can see a color? Okay, so what is color? It is the property of an object that depends on the wavelength of light it reflects or emits. ओके तो इसका मतलब क्या है, आसान भाषा में मैं आपको समझाती हूँ. अगर आप एक चीज को रेड कलर देख रहे हैं, ओके, तो वो आप किस लिए देख पा रहे हैं? क्योंकि जो हमारा विज्ञोर है, आपको पता होगा, ओके, जो हमारा विज्ञोर है, स्पेक्ट्रल लाइट जिसे हम बोलते हैं, ओके, तो वो विज्ञोर में से वो ऑब्जेक्ट सिर्फ रेड कलर को ही एमिट कर पाता है, छोड़ पाता है या फिर रिफ्लेक्ट कर पाता है, ओके, और बाकी सारे कलर को वो अपने अंदर समा लेता है और अब्सॉर्ब कर लेता है, ओके. इसी वजह से हम उस ऑब्जेक्ट को रेड कलर देख पा रहे हैं या फिर परसीव कर पा रहे हैं. इतना तक में समझ में आ गया होगा शायद आपको, ओके. सो नेक्स्ट कमिंग टू सॉइल कलर, ओके, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू स्टडी अबाउट द सॉइल कलर, ओके, बिकॉज इट इज मेनली यूजफुल फॉर आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, ओके. सो सॉइल को क्लासिफाई करने के लिए या फिर आइडेंटिफाई करने के लिए हमें सॉइल कलर की जरूरत पड़ती है. हम बोलते हैं ना कि ये रेड कलर सॉइल है या फिर ये येलो कलर सॉइल है या फिर वो ब्लैक कलर सॉइल है, तो इसी तरह से सॉइल को क्लासिफाई करने के लिए मेनली हमें सॉइल कलर की आवश्यकता है, ओके. सो सॉइल कलर, इट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, ओके. जो सॉइल के डिफरेंट प्रॉपर्टीज होते हैं, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, ओके, तो उसमें से ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, ओके. नेक्स्ट चलते हैं सॉइल कलर की रीजन क्या है. हम जो भी कलर्स देख पा रहे हैं सॉइल की, तो उसकी रीजन क्या है? उसका मेन रीजन है सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेसेस. किस प्रोसेस से, किस वे से वो सॉइल बना हुआ है, ओके, दैट इज द मेन रीजन फॉर सॉइल कलर, ओके. द नेक्स्ट कमिंग टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ सॉइल कलर. अगर आप एक सॉइल को ब्लैक कलर देख रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है, उससे हम क्या रिमार्क दे सकते हैं, ओके. एज एन एग्रीकल्चरिस्ट और एज एन सॉइल साइंटिस्ट, हम क्या रीजन दे सकते हैं कि वो सॉइल काला है, इस वजह से वो सॉइल काला है, ओके. सो द मेन रीजन इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ केमिकल कंपाउंड दैट इज टिटानी फेरॉस मैग्नेटाइट, सॉइल इज ब्लैक कलर, सॉइल बिकम्स ब्लैक कलर, ओके. देन कमिंग टू द रेड एंड येलो कलर सॉइल, ओके, दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड. बोथ रेड एंड येलो कलर इज बिकॉज ऑफ आयरन ऑक्साइड्स, ओके. सो रेड कलर कब होगा और येलो कलर कब होगा? अगर आयरन ऑक्साइड इज अनहाइड्रेटेड, मीन्स एब्सेंस ऑफ वाटर, अगर आयरन ऑक्साइड में पानी नहीं है, पानी आड़ नहीं हुआ है, तो सॉइल का कलर रेड होगा. अगर आयरन ऑक्साइड में पानी आड़ हुआ है, ओके, मीन्स इट इज हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, देन वो सॉइल का कलर येलो कलर होगा, ओके. तो इसे आप इस तरह से याद रख सकते हैं, एक छोटा सा ट्रिक जैसा मैं बता सकती हूँ यहाँ पे आपको. तो अगर उस सॉइल को आपने पानी नहीं दिया, तो वो गुस्से से लाल लाल हो गया, तो रेड कलर आ गया, ओके. अगर आपने सॉइल को, आयरन ऑक्साइड को पानी दे दिया, तो वो खुशी से पीला पीला हो गया, ओके. सो इन दिस वे यू कैन रिमेम्बर द थिंग्स. नेक्स्ट इज ब्राउन कलर, ओके. सो ब्राउन कलर इज मेनली बिकॉज ऑफ आयरन ऑक्साइड्स इन एडिशन टू ऑर्गेनिक मैटर, ओके. अगर एक सॉइल ब्राउन कलर दिख रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसमें आयरन ऑक्साइड तो होगा ही होगा, उसके साथ थोड़ा ऑर्गेनिक मैटर भी है, जिसकी वजह से वो सॉइल ब्राउन कलर दिख रहा है, ओके. देन कमिंग टू ग्रे कलर सॉइल, ओके. So this is because of presence of low quantity of organic matter and iron. Okay, जिसकी वजह से वो soil grey color दिख रहा है. Next is blue color soil. Okay,
दिस इज बिकॉज ऑफ वाटर लॉग्ड कंडीशन. वाटर लॉग्ड तो आपको पता ही होगा, अगर किसी जगह पर, अगर किसी सॉइल के ऊपर बहुत ज्यादा पानी बहुत देर तक जमा हुआ है तो उसे बोलते हैं वाटर लॉग्ड कंडीशन. ओके, सो इन वाटर लॉग्ड कंडीशन ब्लू कलर सॉइल इज सीन. ओके, देन कमिंग टू व्हाइट कलर. ओके, सो व्हाइट कलर इज मेनली ड्यू टू कैल्शियम कार्बोनेट और सॉल्ट इनक्रस्टेशन, और उस सॉइल के ऊपर सॉल्ट की एक लेयर होगी, इसी वजह से दिखा सकता है वो सॉइल व्हाइट कलर दिख सकता है. ओके, और उसमें कैल्शियम कार्बोनेट हो सकती है जिसकी वजह से वो व्हाइट कलर दिख सकता है. ओके, सो नेक्स्ट कमिंग टू डिटर्मिनेशन ऑफ सॉइल कलर. उस सॉइल कलर हम लोग साइंटिफिकली एज अ सॉइल साइंटिस्ट और एज एन एग्रीकल्चरिस्ट हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं. ओके, सो फॉर डिटरमाइनिंग द सॉइल कलर वी एक्चुअली यूज वन चार्ट दैट इज नोन एज मूनसेल सॉइल कलर चार्ट. ओके, सो ये किताब जैसी होती है. सो इन मूनसेल सॉइल कलर चार्ट यूजुअली देयर आर थ्री वेरिएबल्स. ओके, one is hue, then value, and last one is chroma. Okay, so these three parameters or these three variables, they combine to describe all the soil colors. Okay, so the first one is hue. Let us discuss one by one. So hue, it refers to the dominant spectral color. Okay, and it is related to the wavelength of light. सो अगर एक सॉइल रेड दिख रहा है तो इसका मतलब कौन सा वेवलेंथ का लाइट उसके साथ रिलेटेड है, ये हमें ह्यू से पता चलता है. ओके, सो ह्यू एक्चुअली क्या बताता है, वो सॉइल का जो कलर है वो कितना रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, रेड कलर या येलो कलर या ग्रीन कलर या ब्लू कलर या पर्पल कलर, किस कलर के साथ वो ज्यादा रिलेटेड है, ज्यादा उसके पास है. ओके, तो ये नोटेशन हमें किससे मिलता है और ये इंडिकेशन हमें किससे मिलता है, ह्यू से मिलता है. ओके, सो इन मूनसेल कलर चार्ट वी कैन सी थ्री बेसिक ह्यूज आर देयर. ओके, रेड, येलो रेड एंड येलो. ओके, एंड दे आर प्रिसीडेड बाय नंबर्स फ्रॉम 0 to 10. ओके, अगर हम मूनसेल कलर चार्ट देखें तो उसमें तीन बेसिक ह्यूज हमें देखने को मिलती है, एक है रेड, दूसरा है येलो रेड, तीसरा है येलो, जिनके पहले 0 to 10 के बीच में से कोई एक नंबर लिखा हुआ होता है. ओके, अगर वो नंबर बढ़ा बढ़ा कर हम चलेंगे, यानी कि अगर हाईएस्ट नंबर आ जाता है या फिर हायर नंबर आता है, देन दैट इंडिकेट्स दैट ह्यू बिकेम्स मोर येलो. ओके, एंड लेस रेड, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, लेते हैं 0 to 5 एक रेंज और अनदर रेंज 5 to 10, तो ये क्या हुआ, हायर नंबर कैटेगरी, ये क्या हुआ, लोअर नंबर कैटेगरी. अगर लोअर नंबर कैटेगरी आता है तो इसका मतलब क्या है, ये ज्यादा रेड के पास है. ओके, जब अगर हम ये हायर नंबर कैटेगरी को चूज करते हैं तो इसका मतलब क्या है, ये ज्यादा येलो के पास है. ओके, द नेक्स्ट इज इन सॉइल ह्यू रेंजेस फ्रॉम 10R to 5Y. यूजुअली 7 ह्यूज आर देयर फॉर सॉइल कलर. ओके, दैट इज 10R, 2.5YR यानी कि येलो रेड, 5YR, 7.5YR, 10YR, 2.5Y एंड 5Y. ओके, देन नेक्स्ट कमिंग टू वैल्यू. What is the meaning of value? It refers to the degree of lightness or darkness of a color. Okay, so if a color is pure black, then that is indicated by 0, whereas pure white is denoted by 10. Okay, so the lighter or the brighter colors, they are indicated by numbers from 5 to 10, whereas darker colors are indicated from 0 to 5.
उसी तरह अगर हम एक स्केल बनाते हैं 0 से 10 तक, ओके, सो बीच का नंबर है 5, ओके, सो 0 से 5 तक क्या होगा, डार्कर कलर नोटेटेड होगा, और 5 से 10 तक क्या होगा, ब्राइटर और लाइटर कलर्स इंडिकेटेड होगा, ओके, सो ये जो बीच का 5 है वो क्या है, वो ग्रे कलर है, ओके, बीच का जो 5 है वो ग्रे कलर है, 0 जो है वो ब्लैक कलर को डिनोट करता है, और जो 10 है वो व्हाइट कलर को डिनोट करता है, ओके, तो वैल्यू से हमें पता क्या चलता है, वो कलर जो है सॉइल का उसका लाइटनेस और डार्कनेस पता चलता है, ओके, वो कितना लाइट है या फिर कितना डार्क है वो चीज हमें वैल्यू से पता चलता है। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जब आप कोई ड्रेस खरीदने जाते हो तो आप बोलते हो ना कि हमें लाइट रेड ड्रेस चाहिए या फिर डार्क रेड ड्रेस चाहिए, ऐसे बोलते हो ना, तो उसी तरह सॉइल का जो कलर है वो कलर कितना लाइट है या फिर कितना डार्क है वो हमें वैल्यू बताता है, ओके। देन कमिंग टू द लास्ट पैरामीटर दैट इज क्रोमा, ओके, इट इज द रिलेटिव प्यूरिटी और स्ट्रेंथ ऑफ द स्पेक्ट्रल कलर, ओके, सो इट रेंजेस फ्रॉम 0 to 20, ओके, वैल्यू रेंजेस फ्रॉम 0 to 10, वेर एज क्रोमा रेंजेस फ्रॉम 0 to 20, ओके, सो इन सॉइल क्रोमा एक्सटेंड्स फ्रॉम 0 फॉर न्यूट्रल कलर्स एंड 8 फॉर स्ट्रॉन्गेस्ट कलर, ओके, दैट मींस क्रोमा हमें क्या आइडिया देता है, हमने जो सॉइल का कलर लिया है वो कलर डल है या फिर कितना ब्राइट है, कितना स्ट्रॉन्ग है, ओके, सो ये दोनों ये चीजें हमें क्रोमा से पता चलती है, अगर डल है या फिर न्यूट्रल है लाइक व्हाइट और ग्रे कलर, तो वो सब क्या है, न्यूट्रल कलर है, तो वो कलर किससे पता चलता है, 0 से पता चलता है, ओके, पर अगर कोई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट या ब्राइटेस्ट कलर आता है तो वो 8 से डिनोटेड होता है, ओके, सो यहाँ पर एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है, ओके, तो जब भी हम साइंटिफिकली ह्यू वैल्यू क्रोमा का नोटेशन देंगे तो हम इसी तरह से देंगे, ओके, सो वैल्यू न्यूमरेटर में रहता है, क्रोमा डिनोमिनेटर में रहता है, ओके, सो हियर आई हैव गिवन वन एग्जांपल, 10YR व्हिच इज द ह्यू, देन 3 दिस इज द वैल्यू एंड 6 दिस इज द क्रोमा, ओके, सो इन टोटल दे इंडिकेट अ कलर दैट इज डार्क रेड कलर, ओके, सो द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सॉइल कलर। अगर हम इतना कोशिश करने के बाद हमें सॉइल कलर मुंसल कलर चार्ट से पता चल जाता है तो उसे हम लोग क्या रिमार्क दे सकते हैं, ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज इट हेल्प्स अस इन क्लासिफाइंग द सॉइल, ओके, इन रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, येलो सॉइल, डिफरेंट काइंड्स और इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल वी कैन क्लासिफाई देम, ओके, सेकेंड थिंग द सॉइल कलर इज एन इंडिकेटर ऑफ सॉइल मॉइस्चर रेजिन, मीन्स उस सॉइल में कितना पानी है और पानी है या नहीं है, ज्यादा पानी है या कम पानी है, वो हम सॉइल कलर देखकर पता कर सकते हैं, एग्जैक्ट अमाउंट तो हम पता नहीं कर सकते हैं, पर वो सॉइल हाइड्रेटेड है या फिर डिहाइड्रेटेड है वो हम सॉइल कलर देख के पता कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डिस्टिंग्विश द डिफरेंट होराइजन्स ऑफ ए सॉइल प्रोफाइल, जब भी हम सॉइल डिग करके उसका प्रोफाइल चेक करेंगे तो डिफरेंट होराइजन्स जो होती है, तो वो जो होराइजन्स होंगी वो होराइजन्स पहले हमें किससे पता चलती है, सॉइल कलर से पता चलती है, ओके, सो सॉइल कलर इज एन इम्पोर्टेंट पैरामीटर एंड द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पोर्टेंट पैरामीटर जो कि हमें डिफरेंट होराइजन्स को देखने में मदद करती है, ओके, नेक्स्ट क्या है, इट विल डिस्टिंग्विश बिटवीन सरफेस एंड सॉफ्ट सरफेस सॉइल। जब मैंने आपको सरफेस और सॉफ्ट सरफेस सॉइल के बीच में डिफरेंस बताया था तभी मैंने बता दिया था आपको कि सरफेस सॉइल जो है वो थोड़ा क्या होता है, डार्कर कलर होता है, और सॉफ्ट सरफेस सॉइल जो होता है वो थोड़ा लाइटर कलर होता है, ओके, सो दिस इज द मेन डिफरेंस विच कैन बी सीन बिकॉज ऑफ सॉइल कलर, ओके, देन क्या आता है, सॉइल का प्रोडक्टिविटी भी हम उसके कलर के अकॉर्डिंग जज कर सकते हैं, ओके, नेक्स्ट डार्क कलर सॉइल दे अब्सॉर्ब मोर हीट देन द लाइट कलर सॉइल,
ओके अगर एक सॉइल डार्क कलर है तो वो जल्द ही बहुत ज्यादा हीट एब्सॉर्ब कर लेता है अपने एनवायरमेंट से. ओके नेक्स्ट थिंग इज वी कैन ऑल्सो से द ड्रेनेज स्टेटस ऑफ ए सॉइल. ओके वी कैन ऑल्सो प्रेडिक्ट द ड्रेनेज स्टेटस ऑफ ए सॉइल बाई जस्ट वॉचिंग द सॉइल कलर. ओके सो आज के लिए बस इतना ही था. अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा. अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा है तो फिर डिसलाइक बटन पे क्लिक कीजिएगा और रीजन नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा. अगर आपका कोई और सजेशन भी है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं. अगर कोई बैकग्राउंड नॉइज के लिए आपको थोड़ी सी इनकन्वीनियंस होगा तो प्लीज उसके लिए सॉरी, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर.